स्मार्ट एकेडमी मकतपुर में एप्टा संगठन की एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एप्टा के निशांत भास्कर ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सीएफआई के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी आर के सिंह और विकास तिवारी मौजूद थे। मौके पर मनोज सिंह ने कहा कि पूरे भारत में संघ के 4 लाख सदस्य हैं, एक दूसरे को मदद करने के लिए संघ का गठन किया गया है। आर के सिंह और विकास तिवारी ने कहा कि कोरोना काल में संगठन ने बेहतर कार्य किया है, जिसके अनेक उदाहरण हैं। फेडरेशन के नव निर्वाचित झारखंड के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेश सिन्हा ने कहा कि संगठन चलने से ही नए रास्ते खुलते हैं, सभी प्राइवेट टीचर इस संस्था से जुड़ सकते हैं। बैठक के बाद कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जिला इकाई का गठन किया गया। गिरिडीह जिला कमेटी के अध्यक्ष नागेंद्र कुमार, सचिव सूरज नयन, उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, निशांत भास्कर, प्रणव मिश्रा और रविंद्र विद्यार्थी बनाए गए। आज का समय है कि आज हम लोगों ने सीएफआई का डिस्ट्रिक्ट कमेटी हम लोग गिरिडीह में बना दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि गिरिडीह के तमाम शिक्षक, जो भी शिक्षक सीएफआई से जुड़ना चाहते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट बॉडी के संपर्क में आके जुड़े और उनके सुख दुख में हमेशा 24x7 गिरिडीह के टीम और साथ साथ झारखंड प्रांत का टीम के साथ साथ नेशनल टीम आप लोगों के साथ रहे। आज गिरिडीह जिले में सीएफआई का गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाया गया और इसमें जिले का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमेटी हेड सबको बनाया गया है। एक एक करके जिले के वो विस्तार करने के लिए और झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से राजेश सिन्हा सर को झारखंड प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। जैसा कि पता है सीएफआई जो कि एक भारत स्तर का संगठन है, वैसा संगठन जो टीचर, जो प्राइवेट टीचर है, जो पढ़ाते हैं, चाहे ट्यूशन पढ़ाते हैं, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे खेल के क्षेत्रों में हो, चाहे नृत्य के क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्रों में जो पढ़ा रहे, चाहे गांव में पढ़ा रहे हो, देहात में पढ़ा रहे हो, शहर में पढ़ा रहे हो, कस्बों में पढ़ा रहे हो, तमाम लोगों का एक संगठन जो भारत स्तर पर एक पहचान बनाना चाहता है सीएफआई के जरिए। हम तमाम जो बाहर से आए हैं हमारे साथी जो एक तरह से प्रमोट करेंगे और ये इतना बेहतर है कि अगर प्राइवेट टीचर वाला कहीं पे बैंक चला जाता है तो बैंक में 50,000 देने में उनको खराब लगता है, जबकि ये संगठन से आप अगर टीचर है तो 2 लाख आपको मिलेगा और जब अगर डायरेक्टर है तो 5 लाख मिलेगा, लेकिन क्राइटेरिया है, इसमें कोई शर्त नहीं है। आप निश्चित, मतलब ये आर्थिक संगठन से जो जूझ रहे हैं उनके लिए ये कोरोना काल में ये बनाया गया संगठन। आपको पता होगा कि कोरोना काल में कहीं लोग जो है उसकी अस्त व्यस्त हो गई आर्थिक स्थिति, उसको संवारने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में पूरे झारखंड स्तर पे, पूरे भारत स्तर पे लोग काम कर रहे हैं।